नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम SAF ग्राउंड में आयोजित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष परेड का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री के गणतंत्र दिवस संदेश का वाचन किया। इस उपरांत समारोह में आकर्षक मार्च पास्ट किया गया, साथ ही विभिन्न विभागों की आकर्षक झांकियां भी प्रदर्शित की गई। इसके बाद मुख्य अतिथि के द्वारा पुरस्कार वितरण भी किया गया। कार्यक्रम संभागीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ आमजन की उपस्थिति के बीच में संपन्न हुआ। इसके साथ ही कमिश्नर कार्यालय में संभागायुक्त अनिल सुचारी, कलेक्टर कार्यालय में इलैयाराजा टी, नगर निगम कार्यालय में नगर निगम आयुक्त ने ध्वजारोहण किया। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की झलकियां और सुनाते हैं मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के नाम का संदेश। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। का निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। आपके निरीक्षण के लिए कार्य सीमा के माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड के निरीक्षण के लिए समवेत हो रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हम आपको इस गौरवशाली उत्सव के हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज का ये दिन हमारे गौरवशाली अतीत था कि हम अपने हुनर और हौसलों से, अपने सपनों और संकल्पों के बल पर एक राष्ट्र, एक भावना, एक तन, एक मन, एक प्राण से मिलती है। जाति, धर्म, पंथ, भाषा और विचारों में विविधता होते हुए भी सबको समान पंक्त की रक्षा की कतार NCC की टुकड़ी का निरीक्षण करने के उपन के लिए पुलिस की मदद के लिए इस बल का गठन किया गया था। जिला पुलिस बल की टुकड़ी देशभक्ति और जनसेवा का ध्येय लेकर कानून व्यवस्था। हमारे पास समय है कि हम आपको भिन्न वसुधा और उसकी विरासत से आपका परिचय करा देते हैं। साथियों, यह महान पर्वतराज विंध्याचल की पावन भूमि है। भगवान महामृत्युंजय की कल्याण राजनीति, कला, हर क्षेत्र में हमने उन्नति की है। हमने एक ओर जहां अंतरिक्ष के नियम गढ़े हैं, तो वही दुनिया को शून्य से परिचित कराया है। आपदा में भी, अवसर और मुश्किलों में भी मार्ग को ढूंढा है। गणतंत्र दिवस के नाम का संदेश। प्रदेशवासियों, भारतीय गणतंत्र के 13वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जनता के जयघोष के साथ आजादी के अमृतकाल का यह संगम निश्चय ही अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अभूतपूर्व है। आज का दिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में शीश नवाने का दिन है, जिन्होंने भारतीय संविधान के 1-1 अनुच्छेद को अपनी प्रखर प्रतिभा से अभिषेक किया है। आज का दिन संविधान सभा की प्रारंभ समिति के सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञ नतमस्तक हो जाने का दिन है, जिन्होंने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान की रचना की। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के आयोजन की शुरुआत आदर्श संविधान के रचनाकारों के प्रति समस्त भारतवासियों की दुनिया में संविधान दिली है। संविधान सभा के अध्यक्ष एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, संविधान निर्जीव वस्तु है, मनुष्य उसमें जान डालता है। इसलिए संविधान बन जाने के बाद आवश्यकता इस बात की है इसके संचालन के लिए सच्चे देश सेवक निकले और निस्वार्थ भाव से देश हित और लोक के लिए काम में लाए। वस्तुतः भारत के संविधान की प्राण शक्ति प्राण और जनता में निहित है। संविधान की आत्मा कही जाने वाली प्रस्तावना इस बात का द्योतक है कि हम भारत के लोग ही इस महान लोकतंत्र के और गणतंत्र के ध्वजवाहक हैं।
ये इस देश की जनता की महिमा है कि सदी की सबसे बड़ी कोरोना महामारी के डर से जब पूरी दुनिया डगमगाने लगी तब भारत अवाद की तरह टिका रहा, मजबूती से लड़ता रहा। ये इस देश की जनता का ही प्रताप है। एक समय भारत को जादू टोने वाला देश बताकर हंसने वाली दुनिया आज उसकी प्रगति और प्रतिभा के आगे दांतों तले उंगली दबा रही है। दो वर्ष पूर्व जब पूरे विश्व में इस पर कोरोना संकट के चलते भय आशंका और निराशा के बादल छाए हुए थे तब उन्होंने भारत में वैक्सीन विकसित करने के लिए टास्क फोर्स गठित की थी। उन्होंने दवाई भी कड़ाई भी का नारा दिया। ये उनके समय पर सही समय पर लिए गए सही निर्णय नेतृत्व प्रेरक क्षमता का परिणाम था कि देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना से बचाव और टीका सबसे कम समय अवधि में विकसित कर लिया। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 16 जनवरी 2021 से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ। अब तक पूरे देश में टीके 162 करोड़ से अधिक लोग लगाए जा चुके हैं। यह प्रधानमंत्री जी की असाधारण दूरदर्शिता का परिणाम है कि मुफ्त त्वरित वैक्सीनेशन के कारण कोरोना के किसी भी लहर के दौरान संक्रमित मरीजों में से मात्र 2% मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ रही है। शेष मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं। टीकाकरण से मिले सुरक्षा कवच के परिणाम स्वरूप कोविड की तीसरी लहर में संक्रमण में कम घातक हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व को कोविड से जंग में सबसे कारगर हथियार के रूप में मंगल टीके का अनुभव बहा दिया जो आज सभी के प्राणों की रक्षा कर रहा है। प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें बहुत सा धन्यवाद। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, लोकतंत्र में जनता सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। जनता का साथ सरकार के संकल्प को सिद्धि में बदल देता है। प्रधानमंत्री ने जनशक्ति को ही राष्ट्र शक्ति के रूप में देखा। इस सदी का सबसे बड़ा मंत्र दिया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। ये मंत्र संविधान की मूल भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण है। जन सहभागिता के इसी मंत्र को मध्य प्रदेश सरकार ने अपना मिशन बनाया। पिछले 22 माह में समाज और सरकार ने मिलकर जनता की तकदीर और प्रदेश की तस्वीर बदलने का जो काम किया वे सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं। नीतियों के निर्माण में जनता की भागीदारी, निर्णय लेने और उनके क्रियान्वयन में जनता की भागीदारी तथा कार्यों की मॉनिटरिंग में जनता की भागीदारी सुनिश्चित कर हमने जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन की मुक्ति को मध्य प्रदेश में चरितार्थ करके दिखाया। जिला विकास खंड वार्ड एवं ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने अपने अपने क्षेत्र में कमान संभालते हुए कोरोना कर्फ्यू, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, सैंपलिंग और टेस्टिंग, होम आइसोलेशन, प्रकरणों की निगरानी, मेडिकल की वितरण, कोविड केयर सेंटर संचालन, कोविड अनुकूल व्यवहार के जन जागरूकता और टीकाकरण की व्यवस्थाएं संभालने जैसे सभी कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी पात्र नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश में जनता के सहयोग से वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से हो रहा है। अब तक प्रथम डोज कवरेज 97% से अधिक, द्वितीय डोज कवरेज 93% से अधिक हो चुका है। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के पात्र किशोर किशोरियों का 73% से अधिक प्रथम डोज टीकाकरण हो चुका है। इस साल में मध्य प्रदेश पूरे देश में अग्रणी है। दिनांक 10 जनवरी 2022 से हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, पात्र वरिष्ठ नागरिकों को टीकाकरण डोज लगाना प्रारंभ कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सबके सहयोग से हम तीसरी लहर को जल्द ही नियंत्रित करने की स्थिति में होंगे। मैं प्रदेश के नागरिकों से अपील करता हूं कि वैक्सीन अवश्य लगवाएं क्योंकि वैक्सीन ही कोविड से बचाव का सबसे प्रभावी सुरक्षा कवच है। 21वीं सदी में मध्य प्रदेश को समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का हीरा टीम मध्य प्रदेश ने उठाया है। सुशासन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के लक्ष्यों को समय सीमा में प्राप्त करने के लिए टीम मध्य प्रदेश मिशन मोड में कार्य कर रही है। भौतिक अवसंरचना, विकास पायना, पटक का आधार, राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग से लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त सड़कों का निर्माण साधारण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश की महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में से एक अटल प्रगति पथ के निर्माण के लिए भूभजन का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता सड़कों में निर्माण मध्य प्रदेश देश के शीर्ष पर है। योजना से प्रदेश की 17,547 बसाहटों को जोड़ा जाना था जिसके विरुद्ध 17,506 बसाहटों को सड़क से जोड़ा जा चुका है। प्रदेश में गुणवत्ता युक्त भवनों के समय सीमा में निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश भवन विकास निगम का गठन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। वर्ष 2004 में मध्य प्रदेश में बिजली की उपलब्धता
5173 मेगावाट थी, जो सरकार के प्रयासों से 4 गुना से बेली बढ़कर 21,454 मेगावाट हो गई है। वर्ष 2012 में सौर पवन बायोमास ऊर्जा लघु जल विद्युत में हमारा उत्पादन 438 मेगावाट था, जो वर्ष 2021 में बढ़कर लगभग 5,500 मेगावाट हो चुका है। आगर साजापुर नीमच जिलों में 1,500 मेगावाट की नई सौर ऊर्जा परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ हो गया है। विश्व धरोहर स्थल सांची को प्रदेश की प्रथम सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। सभी नागरिकों को ऊर्जा संरक्षण का महत्व बताने, बिजली बचाने की भावना हमारी दिनचर्या का अंग बने, इसके लिए जन जन को जागरूक करने हेतु प्रदेश व्यापी ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रारंभ किया गया है। श्री रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी तहसीलदार हुजूर, सीएम हेल्पलाइन में उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको यहाँ प्रशस्त किया जा रहा है। तो यहाँ सम्मानित किया जा रहा है श्री अखिलेश कुशवाहा, सीएम हेल्पलाइन एवं बदी दायित्व के निर्वहन में उत्कृष्ट कार्य, जोरदार कर्तव्य ध्वनि का आह्वान कर रहा हूँ। श्री मृणाल मीणा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर, आयुक्त नगर पालिक निगम रीवा, विजय लक्ष्मी मरावी, डॉक्टर अजीत तिवारी, एस के मिश्रा, श्री सुरेंद्र पांडे, श्री अरुण भारद्वाज, श्री राहुल पांडे, किसी कृपा करेंगे उप निरीक्षक गौरव, राजस्व विभाग में उल्लेखनीय योगदान के लिए सभी एसडीएम सर को आमंत्रित किया जा रहा है। और इसके साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आपके कारोबारियों के कब्जे से लगभग 14,000 लीटर कीमती 58 लाख रुपए की जब्त की गई है, और वर्ष 2021 में गुम हुए 533 नाबालिग बालक बालिकाओं को राज्य के विभिन्न जिलों एवं दूसरे राज्यों से अथक प्रयास करते शिक्षकों ने हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत अपनी योजनाओं को जारी रखा। शिक्षा वह सेतु है जो हमें पिछली पीढ़ी से नई पीढ़ी को जोड़ती है। छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियां हर हाल में जारी रहे, इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अपना कृषि में बढ़ते घातक रसायनों के उपयोग को भी कम करके खाद्यान्न उत्पादों में विषाक्तता को कम करने का प्रयास दिखाया जा रहा है। जैविक कृषि अपनाकर प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना तथा प्राकृतिक संतुलन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की मूल भावना निहित है। बायोगैस, बर्मी कंपोस्ट, नाडेप टाका आदि से जैविक खाद कराया जा रहा है। रीवा जिले में संचालित 34,034 आंगनवाड़ी केंद्रों में से 2,000 किया गया है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।